जय मसीह की। क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। जय मसीह की गाइस। आज हम बनाएंगे घर के अंदर सिरके वाली प्याज। हम बहुत बार देखते हैं जब हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो सिरके वाली प्याज हमें खाने के साथ दी जाती है। तो गाइस आज हम घर के अंदर सिरके वाली प्याज बनाएंगे और इसके लिए मैंने गाइस छोटा छोटा जो प्याज आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो गाइस ये वाली छोटी प्याज मैं लेकर आई हूँ और इन सबको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया और इनके बीच में मैंने कट लगा लिया है। इस तरीके से मैंने इनके बीच में पूरा कट नहीं, छोटा छोटा कट लगा लिया, इसको एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये सारे मैंने इस तरीके से कट लगा लिया। ये मैंने विनीगर लिया है गाइस, टॉप्स का विनीगर है, ये मैंने विनीगर लिया है। एक चम्मच मैंने नमक लिया है और ये जार है गाइस जिसके अंदर मैं इस पिकल को डालूंगी या हमारा सिरके वाला प्याज। हम खाने के साथ गाइस क्या है, इंडियन की चॉइस होती है कि वो अचार, पापड़ और क्या कहते हैं सिरके वाला प्याज वगैरह, सैलेड बहुत ज़्यादा क्या है पसंद करते हैं। तो गाइस हम सिरके वाली प्याज बनाएंगे घर के अंदर। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाइस क्या करेंगे, हम अपनी ये सारी प्याज को इसके अंदर जार के अंदर डाल देंगे। ये सभी गाइस मैंने सारा इसके अंदर प्याज को डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अपना नमक डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बहुत खट्टा खट्टा सा और नमकीन सा टेस्ट इसका आएगा। और अब इसके अंदर गाइस हम विनेगर डाल देंगे। हम इसके अंदर विनेगर इतना डालेंगे गाइस कि ये पूरा अच्छे से इसके अंदर डीप हो जाए। हमने इसको डीप करना है इस तरीके से, ये हमने अच्छे से डीप करना है। प्याज हमारा पूरा अच्छे से डीप हो जाए तभी क्या है गाइस प्याज के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। इसको हम इस तरीके से डीप करके इसको गाइस इसको एक दिन के लिए तो हम बाहर रखेंगे और उसके बाद गाइस इसको हम कैप लगाकर फ्रिज के अंदर रख देंगे। और फिर गाइस धीरे धीरे आप देखिएगा इसका टेस्ट इतना अच्छा होता चला जाएगा, बहुत ही नमकीन और क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत कुरकुरी सी प्याज बनकर हमारी तैयार होगी और आप इसे खाने के साथ सर्व करें। आप देखिएगा गाइस इसे खाने से आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा और प्याज वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब तो गर्मियाँ हैं तो गर्मी में तो प्याज हमें खूब खानी चाहिए। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को आप गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपके बहुत सारे प्यार के लिए गाइस आपको थैंक यू सो मच।